हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौमसे गीता। तो आज का जो टॉपिक है वो चंडीगढ़ टीजीटी में जो ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, सभी स्टूडेंट ने जो है देख ही लिया होगा, ये कल ही आंसर की आई है ऑफिशियल। तो ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 27 जून 2024 में एग्ज़ाम हुआ था फाइन आर्ट का, ये उसी की ही ऑफिशियल आंसर की है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, बाकी तो इससे पहले मैंने आपको करा ही दिया है, तो यहाँ पर कुछ डाउट थे जो उसी को क्लियर कर लेते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट था उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। तो क्वेश्चन नंबर वन तो है, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आप लोग को बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो पहला क्वेश्चन है नोत्रे देम द पेरिस का चर्च जो है वो यहाँ पर किस कला शैली का प्रतिनिधि इमारत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये बता रहा है कि इसका यथार्थवादी गोथिक, तो मैंने इससे पहले भी आप लोग को गोथिक बताया था, तो गोथिक ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि निम्न में से अकबर के नवरत्नों में नहीं है, तो बिल्कुल ये जो है नैनसुख ही इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, नैनसुख। नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रेस्को को कवर करने के लिए, इसमें आप लोग को मैंने बताया था, इसमें थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी जो था कन्फ्यूज़न था, तो यहाँ पर मैंने बताया था, इसको देख लेते हैं, बाकी तो वैक्स वार्निश तो सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर सिर्फ यही वाला माना है कि वैक्स वार्निश ही है जो फ्रेस्को को कवर करने के लिए जो है वार्निश इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं कि आर्मेचर विधि का सही क्रम क्या है। अब आर्मेचर विधि का ये सही क्रम मैंने भी इससे पहले करवा ही दिया था फोर का, तो ये वैसे ही है जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ही था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर जो हैं बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। कुछ क्वेश्चन जो डाउट थे मैंने आप लोग को बताया ही था कि जो भी है तो उसको बताएंगे, ये बी आंसर माना है, यानी कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पर जाल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है पहले जाल बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आर्मेचर है, फिर देन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कास्टिंग, फिर देन आपका ग्लेजिंग, ठीक है। तो ये जो है फिर बी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है कि पुस्तक उत्पादन के शुद्धि पत्र उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल मुद्रण में त्रुटि ठीक करने के लिए, ये क्वेश्चन नंबर फाइव का ये आंसर यही माना गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का, इसका भी मैंने आप लोग को कोडिंग करवाई थी और आप लोग को बताया भी था, इसका भी बिल्कुल वही आंसर है जो मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाउस का है, तो ये जो आंसर माना है सिक्स का वो माना है यहाँ पर सी ऑप्शन राइट माना है, ठीक है। तो ये यही चीज़ कराया था कि बाउस का कौन सा हो जाएगा आपका, वॉल्टर ग्रोपियस है। बाकी सॉफ्टवेयर का अगर बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बिल गेट्स ये जो हो जाएगा। बाकी प्रिंटिंग का है तो बिल्कुल यहाँ पर फोर नंबर जॉन गुटेनबर्ग। बाकी कॉपी राइटिंग ये आपका डेविड ओगलवे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट माना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है सेवन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कह रहा है कि प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। इसमें भी बहुत सारा जो है इसमें, लेकिन आप लोग को ये जो ये भी डाउट था इसमें कि औजार की उत्कीर्ण, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया है वो कास्ट फलक को चमकाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अब हो सकता है कि यहाँ पर इसको है कास्ट फलक को चमकाना, तो यहाँ पर पहले इन्होंने यही चीज़ बताया है कि जो है पहले कास्ट मतलब जो है एंड ग्रेविंग, ठीक है, एंड ग्रेन की जो है लकड़ी लेते हैं, तो एंड ग्रेन की लकड़ी को पहले जो है कास्ट फलक को है चमकाते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे औजार से उत्कीर्ण करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि ये हो सकता है, ये हो सकता है नहीं, होगा ही यही आंसर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कास्ट भी की लकड़ी होती है, तो यहाँ पर जो है इसको पहले साफ़ किया जाएगा अच्छे से, है चमकाया जाएगा, उसके बाद ही इनग्रेविंग करेंगे, क्योंकि जो है उसका जो प्रिंट करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ होता है ना, तो उसको पहले हम अच्छे से साफ़ करके उसको सही से कर लेते हैं। तो ये हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं, इसका सी ही ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं एट की तरफ। तो एट क्या कह रहा है कि यहाँ पर मूर्तिकारों का जो है सही कालक्रम चुनिए। तो यहाँ पर अलग अलग हैं, यहाँ पर पहले बात करते हैं दोनातेलो, तो ये इसका जो बी ऑप्शन मानना है, ठीक है। तो दोनातेलो को बता देते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पर 1386 इसका आंसर है। मेडार्टो रोसो की बात करते हैं तो 1858 इसका टाइम हो जाएगा। नाम गावो की बात करते हैं तो यहाँ पर 1890 इनका है। बाकी हैंसन की बात करते हैं तो ये
1925 ये हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, माइकल एंजेलो की मूर्तियों के विपरीत कालक्रम के अनुसार। अब इसमें भी कैसा करना है कि जैसे कि यहाँ पर पिएटा की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट माना है, तो डेविड का जो है, क्योंकि यहाँ पर इसमें ये नहीं देखा था कि विपरीत है, विपरीत कालक्रम करना है ना, तो डेविड का जो है वो कितना हो जाएगा, 1501 से लेकर जो है 1504 में इसको बनाया है। पिएटा की बात करते हैं तो पिएटा जो है वो कितना हो जाएगा, 1498 से जो है 99। बाकी बैकस की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1496 से जो है 97 ये हो जाएगा। बाकी मैडोना ऑफ द स्टेयर्स का कौन सा हो जाएगा, 1491। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने अभिव्यंजनावादी के अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर फाओवाद ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी यहाँ पर है बैलेरीना मूर्ति, तो बैलेरीना मूर्ति का ये जो आंसर माना है बिल्कुल यहाँ पर एडगर डेगा ही करवाया था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर है 12 है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई गई पेंटिंग्स के, ये ब्लैक पेंटिंग्स, तो बिल्कुल यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल गोया का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ग्राफिक कलाकारों का समूह, तो ये जो है 8 की स्थापना जो है नई दिल्ली में 1968 में किसके द्वारा करी गई थी, तो किसके द्वारा करी गई थी, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जगमोहन चोपड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि विज्ञापन में निम्नलिखित, यहाँ पे विज्ञापन में कुछ क्वेश्चंस को मैंने कहा था कि इसको बाद में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि विज्ञापन में जो निम्नलिखित प्रक्रिया का सही क्रम आप लोग को व्यवस्थित करना है, तो इसका जो आंसर माना है वो यहाँ पर कौन सा माना है, सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर इसको छोटा कर देती हूँ तो आप लोग को सही दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विज्ञापन में निम्नलिखित में प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले है किसी जो है किसी लक्षित करना दर्शक, बाकी विज्ञापन डिजाइन करना और बनाना, फिर मीडिया का चयन है, फिर यहाँ पर उद्देश्य जानना, ये आंसर ये माना है। तो यहाँ पर 14 का जो है वो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 14 का सी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 15 की बात करते हैं कि सचित्र ग्रंथ है तारीख़ खानदाने तैमूरिया किस संग्रहालय में है, तो इसका जो राइट आंसर है खुदा बख्श पटनालय जो है पुस्तकालय पटना में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, अब सुमेलित करना है तो वो कैसे, इसका भी मैंने आप लोग को आंसर बताया था, दीदारगंज यक्षी, तो ये जो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर है एक कौन जो है 16। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करना है कि जैसे कि यहाँ पर 16 का जो उन्होंने आंसर माना है वो सी माना है। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इसको सुमेलित करना है, तो ये जो आंसर माना है इन्होंने ये वाला माना है जो बिल्कुल सही है। तो ये जो है फर्स्ट का जो है कौन सा का, बिल्कुल दीदारगंज यक्षी ही, तो बिल्कुल यहाँ पर सॉरी दीदारगंज यक्षी हो जाएगा, एक मिनट, दीदारगंज यक्षी तो बिल्कुल यहाँ पर मौर्य काल, तो ये हो जाएगा एरन विष्णु मंदिर गुप्त काल का हो जाएगा। बाकी कनिष्क की मूर्ति तो बिल्कुल ये कुषाण काल की, बाकी मोहन जोदड़ो का ये नृत्यांगना ये कांस्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सभी जो है यहाँ पर, ये तो पहले से बता ही दिया था, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये सही है, हाँ सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है, ये भी मैंने आप लोग को पहले से बता ही दिया था, तो 17 का जो आंसर बताया है यहाँ पर ये है 1870, तो ये जो है दूसरा है ऑफसेट प्रिंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो बाकी 1969 में ये जो है लेज़र प्रिंटिंग से 1796 है ये फर्स्ट नंबर लिथोग्राफी, और 1907 में तो बिल्कुल यहाँ पर स्क्रीन प्रिंटिंग, तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ए आंसर है, 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेरिफ का किससे संबंधित है, तो सेरिफ का जो संबंधित है वो किससे हो जाएगा, यहाँ पर टाइपोग्राफी से हो जाएगा।
ठीक है। और बाकी है सेकंड नंबर, बाकी हाफ टोन की बात करते हैं तो हाफ टोन का किससे संबंध हो जाएगा आपका, रेप्रोग्राफी। एक्सपोजर की बात करते हैं फोटोग्राफी। और बाकी ये जो है गटर्स जो है समाचार पत्र, तो ये जो है कौन सा राइट आंसर है इसका, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कौन सा है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कलाकारों को मिलान के साथ उनके स्थान से सुमिलित करिए। अब जे स्वामीनाथन है, तो जे स्वामीनाथन है तो किससे संबंधित हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, तो बिल्कुल यहाँ पर सी माना है इसका राइट आंसर, और यही मैंने आप लोग को भी बताया था। तो यहाँ पर जो है जे स्वामीनाथन, तो बिल्कुल ये जो है भोपाल से, बाकी बेंद्रे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर जो है बड़ौदा से हो जाएंगे, यानी कि फोर नंबर। बाकी थर्ड है के जी सुब्रमण्यम, तो ये जो के जी सुब्रमण्यम, एक मिनट, ये जो है बड़ौदा से, बाकी ये के जी सुब्रमण्यम शांति निकेतन हो जाएंगे, बाकी बी सी सान्याल है तो बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। तो यानी कि जो है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी मैंने आप लोग को कराया ही था, तो बिल्कुल जर्मनी ही कराया था, यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं कि 14वीं शताब्दी में किस कलाकार ने सबसे पहले मुद्रित जो चित्र जो है पेश किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अल्बर्ट ड्यूरर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। अब 22 में क्या कह रहा है, द एडवेंचर ऑफ टिंटिन कॉमिक एल्बम की रचना किस कार्टूनिस्ट ने करी है, तो बिल्कुल यही आपको आंसर भी कराया था, हरगे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि विश्व की प्राचीनतम पोर्ट्रेट चित्र 2006 में कहाँ पाया, मतलब पाया गया, जिसे 27,000 वर्ष पुराना माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अनगोले में के नज़दीक विल्होनियोर गुफा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि मौत और आग किसकी पेंटिंग है, तो मौत और आग किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल पॉल किली की ही हो जाएगी, और यही जो आप लोग देख सकते हैं मैंने कहा था जो सिर्फ डाउट वाले क्वेश्चन ही छुड़वाए थे, बाकी तो मोस्टली जो है सभी आंसर जो है राइट है। बाकी किस कलाकार ने पच्चीकारी मोजाइक तकनीक में काम किया है, तो सभी ने आंसर जो बताया था वो बिल्कुल यहाँ पर भी इसका जो है पॉल किली ही इसका राइट आंसर है, यही भी मैंने भी आप लोग को बताया था। ठीक है, बाकी है क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वस्तु निरपेक्ष कला के महान प्रणेता थे तो वो कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वासिली कांडिंस्की हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 26 का कौन सा हो जाएगा, वासिली कांडिंस्की है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27 है, द स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक द्वारा जो रचित है तो वो कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल ये भी वासिली कांडिंस्की ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, बाओ संस्था के सदस्य हैं तो वो कौन है, तो ये भी वासिली कांडिंस्की ही है। बहुत सारे स्टूडेंट ने जब ये क्वेश्चन करा रही थी तो सब बच्चे कह रहे थे कि हाँ सब कांडिंस्की ही है, के ही क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, द ब्लू राइडर जो है किस कलाकार की पेंटिंग है, तो ये भी जो है किसका हो जाएगा, वासिली कांडिंस्की की ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस कलाकार ने मैडोना चित्रित किया है, तो मैडोना चित्रित की किसने किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर एडवर्ड मुंग ने किया है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर यही कराया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा कला आंदोलन जंगली जानवरों यानी कि वाइल्ड बीट्स की शैली से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल फाओबाद ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा कलाकार है डी स्टीजल कला आंदोलन का सदस्य है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पीएट मॉन्ड्रियान ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यंत्र युगीन आकारों को नव निर्माण किस वाद के कलाकारों ने जो है यहाँ पर किया, कलाकारों ने किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, दादाबाद ही इसका राइट आंसर है। शायद मैंने सुरीलाबाद दिया था, लेकिन ये जो है दादाबाद इसका राइट आंसर बताया, 33 का ए ही आंसर बताया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, 34 क्या कह रहा है कि ह्यूगो बॉल किस आंदोलन के संस्थापक थे, तो ह्यूगो बॉल जो है किस आंदोलन के संस्थापक थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पर दादाबाद हो जाएगा, इसका राइट आंसर दादाबाद। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं कि 391 या 391 नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन जो है कब शुरू हुआ है, तो कब शुरू हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल 1917।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1917 ही इसका करवाया था, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 391 नामक पत्रिका जो है किस, मतलब जो पत्रिका से जुड़े कलाकार थे वो कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फ्रांसिस पिकाविया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37। 37 क्या कह रहा है कि यहाँ पर मोनालिसा की जो कलाकृति है उसकी अनुकृति है वो यहाँ पर किसके द्वारा जो है, कलाकार द्वारा है, तो वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल वो है मार्सल दूसा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल मार्सल दूसा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। ल्यूक जो है किस कलाकार की कलाकृति है, तो 38 का जो आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पर मार्सल दूसा है। ठीक है, इसका राइट आंसर मार्सल दूसा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है कि बाह्य जगत का यथार्थ मन के यथार्थ का केवल स्पष्टीकरण व मूर्त रूप है जिस किसका कथन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, साल्वाडोर डाली का हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, साल्वाडोर डाली का ही हो जाएगा, और यही मैंने भी आप लोग को कराया ही था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का ये 40। 40 की तरफ बढ़ते हैं। डच अमूर्त कला आंदोलन वो है वो किससे संबंधित है, अब इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल पिएट मोंड्रियान ही इसका राइट आंसर है, ये भी मैंने आप लोग को बताया था। बाकी क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। लाल चित्रकला कक्ष द रेड स्टूडियो कब चित्रित किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर 1911 में इसको चित्रित किया गया है। नेक्स्ट बात करती है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि मैं जिसको स्वप्न में देखता हूँ वह ऐसी कला है जिसको जिसमें संतुलन विशुद्धि व प्रसन्नता है, जो आराम कुर्सी के समान आरामदायक है, यह किसका कथन है, ये मैंने पिन भी किया था मैसेज आपको, तो बिल्कुल ये हेनरी माथिस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि चित्रकार ने पट पर रंगों के गोले बरसाए हैं, यह लाल गोले क्या है, मकान कहाँ के हैं, किस कलाकार की ये आलोचना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये मॉरिस डी ब्लामिंग का हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये मॉरिस डी ब्लामिंग का है। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 44। 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 क्या कह रहा है कि लिथोग्राफी की खोज किसने करी है, तो बिल्कुल सभी को पता है कि यहाँ पे अलॉयस सेनेफेल्डर ने ही करी है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। गौचे किस रंग का समान होता है, तो बिल्कुल जल रंग के ही समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं कि ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल हाइड्रोफ्लोरिक का ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेल्वेटिका, हेल्वेटिका का फॉन्ट डिजाइनर कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे, मैक्स मेंडिगर ही हैं। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया ही था और वही आंसर भी आया है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ पढ़ते हैं। आधुनिक विज्ञापन के जनक हैं, तो आधुनिक विज्ञापन के जनक कौन हो जाएंगे, बिल्कुल अल्बर्ट लास्कर ही हो जाएंगे, और यही चीज मैंने भी आप लोग को यही बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। जो सीसी की माप की इकाई है, तो वो आंतरिक विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन या फिर समाचार पत्र, तो बिल्कुल यहाँ पर समाचार पत्र ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्ली लोक कला का संबंध है, तो बिल्कुल गुजरात से ही इसका संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। 1975 में राष्ट्रपति ने किस लोक कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो बिल्कुल जगदम्बा देवी, और यही मैंने भी आप लोगों को कराया था। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। गीले रंगों से कौन सी लोक कला का गठन होता है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है अल्पना का ही जो है, गीले रंगों की जो है लोक कला का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर कौन है, तो प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर विलियम मॉरिस ही जो है प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर है। ठीक है, विलियम मॉरिस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 54 की तरफ। मैं देखो फटाफट आप लोग को इसलिए करा दे रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं आप लोग को पहले से ही इसका आंसर बता ही चुकी हूँ, तो बस ये है कि आप लोग जो है, जो गलत हैं, जो आप लोग को डाउट थे, बस उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर किस सांझी आर्टिस्ट को कमला देवी पुरस्कार से कमला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और यही मैंने आप लोग को आंसर भी बताया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, लव कुमार सोनी हो जाएंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, बस्तर छत्तीसगढ़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल टेराकोटा ही बताया था, तो बिल्कुल ये भी आप लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, भारत का सबसे प्राचीन स्तूप का नाम है, तो बिल्कुल पिपरवा स्तूप ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं कि प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है, देवता, पशु, नर्तकी या फिर नटराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल नर्तकी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा, बहुत ही आप लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन भी करे होंगे इसका। बाकी इंद्रसभा की बात करते हैं कि इंद्रसभा किस गुफा से संबंधित है, तो बिल्कुल एलोरा गुफा से ही संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है उदयगिरी। अब उदयगिरी जो है, उदयगिरी तो उदयगिरी जो है या खंडगिरी गुफाएं कहाँ अवस्थित है, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल उड़ीसा ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 60, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। कंदरिया महादेव कहाँ स्थित हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका खजुराहो ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 61 की तरफ, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सूर्य मंदिर ही इसका राइट आंसर है। बाकी है क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, डार्क फिलोसोफर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हेरोक्लिट्स ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, और यही मैंने भी आप लोग को ही कराया था, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे ना कि जो है मैम ने गलत बताया ना, तो अब आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, आंसर की चेक कर सकते हो। मैंने आपको चेक करते ही पहले बताया था कि 9-10 में ज़रूर डाउट होगा, वो हर किसी को डाउट होता है, और जो आप लोग को क्वेश्चन कराए हैं वो मोस्टली सभी ही आप लोग को राइट ही आंसर करवाए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर है 63 है, भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। तो ये जो करवाया है तो बिल्कुल यहाँ पर 7वीं शताब्दी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 64। अब 64 क्या कह रहा है कि द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर विलियम होगार्थ की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी, विलियम होगार्थ की हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 65 है, भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना किस शताब्दी में की गई है, तो किस शताब्दी में करी गई है, तो बिल्कुल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 66 है, द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, तो किसके द्वारा रचित ग्रंथ हो जाएगा, तो जॉर्ज विलहम फ्रेडरिक हीगल के अनुसार, मतलब इनकी हो जाएगी, हीगल की। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं कि यशोधरा के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने करी है, तो बिल्कुल अवनिंद्रनाथ टैगोर ने करी है। किसने करी है, अवनिंद्रनाथ टैगोर ने ही करी है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 68, कैलाश मंदिर कहाँ अवस्थित है। इसको और जूम कर लेते हैं तो आप लोग को मुझे लगता है और भी अच्छे से दिखाई देगा। बस ये है कि अच्छे से एकदम एक एक क्वेश्चंस को बढ़ाते चलते हैं तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। बाकी एक एक मतलब है, एक ही एक क्वेश्चन है। तो चलिए ये हो गया 68 है, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एलोरा ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं, छोटा ही करना पड़ेगा। बाकी है यह है किसका विचार है। अब यह जो विचार है वो किसका विचार है कि मनुष्य स्वयं की कला जो है कला में अभिव्यक्त करता है, तो स्वयं की कला में अभिव्यक्त करता है, तो बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 670 की तरफ बढ़ते हैं कि चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तारपीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तारपीन इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 70 का सी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 71, पेंटिंग की तैयारी में। अब देखो यहाँ पर ये बहुत सारे स्टूडेंट के बट में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, और ये जो है थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि पेंटिंग की तैयारी में कपड़े, अब यहाँ पर पेंटिंग की तैयारी कर रहे हैं तो कपड़ा है या फिर कागज है, और कागज और पैनल, ये तीनों चीज़ हैं, कपड़ा, कागज और पैनल पर सिकुड़न को मजबूत करने
और समर्थन को अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो इसमें ये जो कह रहा है कि आला प्राइमा, और जबकि आप लोग जानते हैं वैसे तो इसका जो राइट आंसर दिया है वो आला प्राइमा है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग में आला प्राइमा हमारा जो है, आप लोगों को पता है कि आला प्राइमा क्या होता है, कि कोई भी चीज़ जो है एक बार में, कोई भी चित्र को एक बार में कंप्लीट कर देना ही ये क्या कहलाता है, आला प्राइमा। यानी कि जो है इसका सूखने का डर नहीं रहता है वो चीज़। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिकुड़न को मजबूत करने और समर्थन को अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो वैसे भी आला प्राइमा हमारी क्या है, एक तकनीक है, ठीक है, ये क्या है, एक तकनीक है आला प्राइमा। तो ये तकनीक ही कैसे लगाई जाती है, पहले तो यही क्वेश्चन है। बाकी अगर हम बात करते हैं साइजिंग, हैचिंग से तो बिल्कुल कोई मतलब है नहीं, साइजिंग के लिए है तो ये चीज़ है, मैंने करवाया था। बाकी अगर लगाने की बात करते हैं तो हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि कागज़ हो गया, पैनल हो गया, तो कागज़ या पैनल या कुछ विक्स, ये हो सकता है कि हाँ प्राइमिंग एक बात का हो सकता है या साइजिंग। बाकी तो इसके लिए तो मुझे डाउट है, बाकी तो यही आंसर माना है, बस यही कहूँगी कि आला प्राइमा ही इसका आंसर माना है। कि लेकिन आला प्राइमा हम जो है टेक्निक में पढ़ते हैं, तो इसका जो है मुझे डाउट लग रहा है, तो इसका या तो जो है प्राइमिंग होना ही चाहिए, प्राइमिंग होना चाहिए, तो प्राइमिंग कर सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है, क्योंकि प्राइमिंग करते ही भी हो सकता है कि जो है सिकुड़न जो है कम हो जाती है, ठीक है, मजबूत करने सिकुड़न मजबूत भी हो जाती है, जैसे कैनवस में हम प्राइमिंग करते हैं तो वो एकदम अच्छा सा हो जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है प्राइमिंग हो सकता है। बाकी साइजिंग का भी लगाया नहीं जाता है, तो पहली बात तो यह साइजिंग लगाया नहीं जाता, साइजिंग जो है वो की जाती है, क्योंकि जो है उसको कपड़ा चढ़ाकर ये की जाती है, तो इसमें थोड़ा सा वो डाउट लग रहा था। तो ये क्वेश्चन तो मैं यही कहूँगी कि इसका प्राइमिंग ही होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है कि अंग्रेजी जल रंग के जनक के रूप में, तो बिल्कुल यहाँ पर पॉल सेंट बॉय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 73। एक ऐसी तकनीक जो द्विआयामी सतह पर जो तीन आयामी चित्र का प्रतिनिधित्व करती है और यह एक सपाट सतह पर जगह और गहराई का भ्रम करती है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर था परिप्रेक्ष्य ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं कि 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइन ग्लास पेन का उदाहरण है, तो ये जो है रोटरिंग पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 75 की तरफ, ट्यू टेम्पोरा किसके मिश्रण से बनाया जाता है, तो बिल्कुल ताजे अंडे की जर्दी से ही बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखो क्या कह रहा है कि अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये थोड़ा सा पढ़ा होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये आंसर कैसे ही दे दिया है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग है, अब देखो मैंने इसका ये चीज़ है स्क्रम्बलिंग दिया था, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो स्क्रम्बलिंग पढ़ते हैं, ठीक है, कौन सा पढ़ते हैं, स्क्रम्बलिंग। तो स्क्रम्बलिंग अलग है, स्क्रम्बलिंग अलग है, स्क्रम्बलिंग है ये हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हमारा डेटा, ठीक है, ये है डिजिटल डेटा से संबंधित हो जाएगा, ये जो है डिजिटल डेटा से संबंधित हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी बाटिक है, तो बाटिक कपड़े से संबंधित हो जाएगा, कपड़े से संबंधित। बाकी यहाँ पर रेंडरिंग भी, एक मिनट, हाँ तो ये जो है यहाँ पर रेंडरिंग से भी आपका कि कोई बोलते ग्राफिटो, लेकिन जो है यहाँ पर भित्ति से मतलब है, लेकिन जो यहाँ पर भित्ति की तो ऐसी कोई तकनीक की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो आंसर माना है वो यहाँ पर कौन सा माना है, वो ग्राफिटो तकनीक ही इसका राइट आंसर माना है। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर एक बात के लिए हो सकता है ये कि हाँ ये हो सकता है कि ग्राफिटो तकनीक हो, क्योंकि इससे खरोचने के लिए समुचित धारदार चीज़ लेकर इसे खरोचने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये है। लेकिन यहाँ पर ये डाउट हो रहा है कि कागज़ इसमें दिया है कि हल्के रंग के कागज़ की शीट पर फिर हल्के रंग को काले क्रेयॉन से आच्छादित किया जाता है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ की बाकी देख लेते हैं कि अब जो है दूसरी नहीं मतलब क्या ही बताएं कि आंसर की, तो यही चीज़ है। तो सभी स्टूडेंट से ये है कि जो भी स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्शन कोई भी क्वेश्चन को लेके अगर आप लोग उठाना चाहते हैं या फिर आप लोग को लगता है कि कोई डाउट है तो आप लोग उसे ज़रूर फिल करिएगा। शायद जो है 3 जुलाई तक साइट खुली हुई हैं, अगर आपको लगता है कि कोई जो है गलत है क्वेश्चन या कुछ भी, तो आप जो है इसका ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है कि किसी वस्तु का पिछला भाग
किसी वस्तु का पिछला भाग जो किसी वस्तु की किताबों की अलमारी में रखने है, तो बिल्कुल यहाँ पर स्पाइन ही इसका करवाया ही था। बाकी ये है क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है आर, इसका आपको पूरा मैंने आप लोग को बताया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल वाइट कलर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है कि जब केवल श्वेत व श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें भी कन्फ्यूज़न है कि ये जो है कैसे कर सकते हैं कि वर्ण शून्यता, इसमें जो माना है एक वर्णीय रंग माना है, जबकि ये क्या होता है मोनोक्रोम होता है। एक वर्णीय रंग क्या होता है, मोनोक्रोम होता है, तो बाकी तो बहुवर्णीय पॉलीक्रोम से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर किससे बात कहा गया है कि हमें वाइट और श्वेत और श्याम वर्ण कहा गया है, और श्वेत श्याम वर्ण ही इसका यही राइट आंसर है। तो जो भी स्टूडेंट है, फिर से आप लोग को बता रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट है ऑब्जेक्शन जो है उठाना चाहते हैं कुछ भी, तो 3 जुलाई तक जो है साइट ओपन है, तो जो भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हैं तो वो अपना जो है उसके लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर ये वाला माना है, इसका आंसर ये तो बिल्कुल 100% है कि यही इसका जो राइट आंसर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। अब देखो यही यही चीज़ होता है कि तभी तो प्रैक्टिस बुक में बहुत सारी चीज़ गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो आंसर की आती है वो थोड़े क्वेश्चन में थोड़ा एक दो डाउट रहता है और वही चीज़ प्रिंट होकर भी आ जाता है, तो उनकी प्रैक्टिस बुक की कोई गलती नहीं होती है, जो जो भी बुक है तो उनकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो ऑफिशियल जो है ऑफिशियल आंसर की ही होती है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु विधा नहीं है। अब धातु विधा नहीं है तो बिल्कुल पतीना है, ये एक रासायनिक जो है, हाँ तो सभी लोगों ने जो है यहाँ पर बताया भी था, इसका पतीना हो जाएगा। बाकी चलिए जो है यहाँ पे परत से मतलब है रासायनिक एक प्रतिक्रिया होती है, बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर है, बाकी है रासायनिक परत। क्वेश्चन नंबर है 81 की है, धातु ढलाई का सही क्रम क्या है। अब धातु ढलाई का ये भी मैंने आप लोग को बताया ही था, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर और ये हो जाएगा डी, मतलब सॉरी ये डी कह रही हूँ, ये है गलत बता दिया सॉरी। तो बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हूँ। बाकी है ये, अब देखो धातु ढलाई का सही क्रम क्या है। अब धातु ढलाई का जो है सही क्रम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन माना है, यानी कि पहले का काम करना है, तो पहले तो मैंने आप लोग को बताया ही था पैटर्न बनाना ही है सबसे पहले, फिर यहाँ पर मोल्ड बनाना होता है, इसका मैंने यही कराया था, जो बिल्कुल आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो है फिर मोल्ड बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है पिघलाना, फिर डालना, फिर बाकी शेकआउट और बाकी गर्म उपचार, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। अब 82 क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। बाकी निम्न में से गलत विकल्प का पहचान करें। अब यहाँ पर इसमें से गलत कौन सा था, तो बिल्कुल हनी व टेराकोटा, ये क्या था मैंने बताया था कि ये जापान से संबंधित है, तो ये जो है गलत ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 83 की तरफ बढ़ते हैं। 83 क्या कह रहा है कि विज्ञापन अभियान की सफलता के पीछे 5 कारण क्या हैं। तो 5 कारण वो थे, वो कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, संलग्न करना, फिर मनोरंजन करना, और यही मैंने आप लोग को भी कराया था, आप लोग चाहे तो जाकर देख भी सकते थे। जो स्टूडेंट मैं उन लोग के लिए कह रही हूँ जो उन लोगों ने गलत गलत बोला है, ये उन लोग के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं, सब लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, 84 क्या है कि ब्रांड नेम, ब्रांड नाम और पहचान विज्ञापन के वे तरीके जिनका उपयोग विज्ञापन दाता उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पर बहुत समान उत्पादों के बीच अंतर करने के लिए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये है 84 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 85 है, विज्ञापन एजेंसी का जो दिल और आत्मा होती है वो रचनात्मक सेवा विभाग, इसका राइट आंसर माना है, जो सही है यही सही आंसर है, रचनात्मक सेवा विभाग ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, उपयुक्त तो मीडिया का चयन निम्नलिखित में से किस कारक पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पर सभी के सभी हो जाएगा, जो मैंने आप लोग को बताया भी था, तो सभी हो जाएगा, उत्पादन की मतलब उत्पाद की प्रति लक्षित वक्तों, मीडिया, आदत, लागत, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं 87 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विक्रय की सही विशेषता है। और विक्रय की सही विशेषता है तो बिल्कुल एक से एक संपर्क,
ठीक है, ये जो है कौन सा हो जाएगा, एक से एक संपर्क। शायद मैंने यही वाला भी आप लोग को कराया है, एक से एक संपर्क। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, एक विक्रेता जिसका उत्पादन बेचने में ग्राहक संबंध होता है, इसमें शामिल होता है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रॉस सेलिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है क्रॉस सेलिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 89। देखो मैं फटाफट इसलिए करा दे रही हूँ कि ये मत सोचिएगा कि आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आप लोग को बता ही दिया था, बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करा ही दिए थे, तो बाकी है इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन में डाउट था तो बस उसको ही देखना था। बाकी निम्नलिखित में से कौन जो है घटनाओं की दिशा या अनुक्रम की सबसे अच्छी जो है तरह से समझता है, जिसमें संवेग और स्थायित्व भी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, प्रवृत्ति। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, प्रवृत्ति हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं, कि परिचालन बजट में दो भाग होते हैं जिन्हें कहा जाता है। अब जिन्हें कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, कार्यक्रम और जिम्मेदारी बजट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, कि समय का चयन, मीडिया के प्रकार का चयन, आवृत्ति की पहुंच और विज्ञापन के लिए मीडिया वाहन और निर्णय लेना किसका हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा, मीडिया रणनीति विकसित करना, ये इसका राइट आंसर है, मीडिया रणनीति विकसित करना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 92 है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन एजेंसी का कार्य नहीं है। अब कौन सा नहीं है, वो है मीडिया रणनीति विकसित करना। ठीक है, ये जो है विज्ञापन एजेंसी का कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 क्या कह रहा है, 93 यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से किस कलाकार के चित्रों में अति यथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है, और अति यथार्थवाद प्रभाव जो है वो कहाँ देखने को मतलब कौन से कलाकार पे देखने को मिलता है, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न समकालीन कलाकारों में से किसके चित्रों में अति यथार्थवाद तत्वों को देखे जा सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल यहाँ पर मंजीत बाबा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, विश्व में आधुनिक कला की उत्पत्ति और प्रसार का केंद्र रहा, तो चलिए जो है इसका, हाँ तो 95 का बिल्कुल यहाँ पे फ्रांस, यही आप लोग को कराया ही था। बाकी क्वेश्चन नंबर है 96 की तरफ बढ़ते हैं, 96 जो है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 1996 में अपनी दूसरी शाखा कहाँ स्थापित करी है, तो बिल्कुल मुंबई ही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, किस कला आंदोलन की विशेषता उसके ज्वलंत रंग हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फॉविज्म हो जाएगा। ठीक है, जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फॉविज्म इसका राइट आंसर है। चलो ये हो गया, बाकी ये भी मैंने यही शायद, ये शायद नहीं, यही कराया था। क्वेश्चन नंबर है 98 है, बंगाल स्कूल के अर्धघनवादी चित्र का प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम है, ये तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जी एंड टैगोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ हो जाएगा, तो बिल्कुल लंदन में ही है, ये भी आप लोग याद करते ही होंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 100 की तरफ। अब ये था इसमें, मैंने शायद जो है यहाँ पे घनवाद कराया था, लेकिन ये जो है इसका जो है राइट आंसर माना है वो वही है राइट आंसर, मानवीय पीड़ा और क्रूरता जो है निराशा का चित्रण किस शैली में हुआ है, तो बिल्कुल यही राइट आंसर है, अभिव्यंजनावाद। तो ये तो रहा आप लोगों का पूरा क्वेश्चन पेपर जो मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है, तो आप जो स्टूडेंट हैं तो इसको अच्छे से करिएगा, अच्छे से उसको पढ़िएगा। बाकी यही चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादातर जो है क्वेश्चन कम से कम 90% है वो आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को बताए थे। ठीक है, जो कम से कम 90% 90 क्वेश्चन बिल्कुल राइट थे, बाकी 10 क्वेश्चन में जो डाउट था, जो मैंने आप लोग को बताया भी था कि 10 क्वेश्चन में जो है डाउट रहता है, हर किसी को रहता है, चाहे वो कितना भी है वो पढ़ा हुआ हो, तो रह हो ही जाता है। ठीक है, तो उसी पर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जो है जो पुराना पेपर भी देख सकते हैं, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है ये तो आप लोग का हो गया, बस आप लोग जो है मिलान कर लीजिएगा, और बाकी सभी स्टूडेंट है इसको जाते जाते ज़रूर लाइक करिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है,
तो लाइक ज़रूर करिएगा, सभी से यही रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट हैं, अगर जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुआ है तो बता दे रही हूँ, 2 बजे क्लास चलती है डेली, D++B की क्लास चलती है, तो आप उसको ज्वाइन करिएगा। बाकी 7 PM पर ओरल होता है और 7 PM पर आर्टिस्ट की प्रिपरेशन चल रही है, तो आर्टिस्ट की भी ज्वाइन करिएगा। बाकी यहीं पर आपकी क्लास फिनिश होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी सभी स्टूडेंट 2 बजे मिलते हैं सभी स्टूडेंट के साथ। ओके, अगेन थैंक यू।